ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। बजरंगी भाईजान, मदारी, जुनूनियत, हैप्पी भाग जाएगी, दो दूनी चार के अलावा कई और बड़े बैनर की फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता मनोज बख्शी दिल्ली के कनॉट प्लेस में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां A1 न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर वरुणेंद्र कथूरिया ने मनोज बख्शी से खास बातचीत की। इस बातचीत में अभिनेता मनोज बख्शी ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई राज A1 न्यूज़ के साथ शेयर किए। देखिए कैसे मनोज बख्शी ने दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय किया। पेश है एडिटर वरुणेंद्र कथूरिया और अभिनेता मनोज बख्शी की चर्चा के मुख्य अंश। दर्शकों, आज हमारे साथ हैं बॉलीवुड के एक जानी मानी हस्ती मनोज बख्शी जी। आज हम मनोज बख्शी जी से दिल्ली के कॉफ़ी रूम में बैठकर बात कर रहे हैं इनके फिल्मी कैरियर के बारे में। आइए मनोज बख्शी जी से जानते हैं कि उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत कैसे करी। मनोज भाई, आपको फिल्मी इंडस्ट्री में आने का अवसर कैसे मिला? सर, मेरे साथ जो नॉर्मली लोगों के साथ होता है उससे उल्टा हो गया। मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में, तो मेरे कज़न लोग, सिस्टर है उसकी मैरिज थी बॉम्बे में, तो मैं जब वहाँ बॉम्बे गया मैरिज में, तो वहाँ पार्टी के अंदर मैंने ये फिल्म स्टार्स को देखा। ये वो था पद्मा खन्ना और वो सुजीत कुमार, तो मैंने कहा ये लोग क्यों आए हुए हैं पार्टी में। तो भाई कहता हम भोजपुरी फिल्में बनाते हैं, तो माय कज़न ब्रदर वाज भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर, तो उन्होंने बलमा नादान, सैया मगन, पहलवानी में इस टाइप की करीब 30 साल पहले पिक्चर बनाते थे वो, तो उस समय मैं गया था, तो आई गॉट अट्रैक्टेड। मैंने कहा यार, उनके ने शूटिंग वूटिंग भी दिखाई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वहाँ मैंने जगदीप साहब को देखा कि एक कार आके रुकी और सूट पहना हुआ बेहतरीन क्रीम कलर का और एक चश्मा गोल्डन लगाया हुआ, और मैं सोच रहा हूँ यार ये बंदा कहीं मैंने देखा हुआ है, इनको कौन है। अंदर घुस रहा बड़ा स्मार्टली और सबसे हाथ हाथ मिलाना ये है वो, और मिला के हाथ और अंदर गए। जब वो मेकअप करके निकले तो देखा मूछ एक ऊपर एक नीचे, तो वो जगदीप साहब, तो मैंने कहा यार ये तो ये कोई विद्या है, सीखने वाली चीज़ें हैं ये, मतलब ये हम सोचते थे कि कॉमेडियन एक बहुत छोटा मोटा आदमी होता है, लेकिन ऐसा नहीं, वो कॉमेडियन एक एक्टर, वो नॉर्मल लाइफ उसकी इतनी बेहतरीन है दिखा रहे हैं। और थोड़ी देर बाद बिंदिया गोस्वामी वाज हीरोइन इन दैट फिल्म, तो कह दो प्यार है फिल्म का नाम था, तो थोड़ी देर बाद बिंदिया गोस्वामी को जगदीप साहब समझा रहे थे कि आप यार आप इस डायलॉग को थोड़ा ऐसा करो ना तो और अच्छा आएगा। तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कॉमेडियन मतलब कॉमेडियन वाली बात नहीं है, कौन कितना सीनियर है यहाँ पे वो सीनियरिटी जूनियरिटी वाली बात भी है, तो मतलब ये कोई एजुकेटिव सिस्टम है जिसको समझना चाहिए। तो वहाँ से मैं अट्रैक्ट हो गया। मैंने फिर फादर से कहा मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, तो वो नेचुरल डांट पड़नी थी, उन्होंने डांट दिया कि हमारे परिवार में कोई एक्टिंग वाला बंदा नहीं है, और ये लाइन बड़ी रिस्की होती है, पहले पढ़ाई कर लो। तो फिर आगे एजुकेशन कंप्लीट की। मेरी बर्थ जो है दिल्ली की है, लाजपत नगर, डबल स्टोरी क्वार्टर, और लेकिन यूपी के अंदर मेरी मैंने स्टार्ट किया थिएटर, उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया और वहाँ से सीखने लगा, तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत कुछ समझने वाली चीज़ है। तो कहीं मैंने करीब 17-18 साल यूपी में थिएटर किया, सीखता रही है कि बॉम्बे के लिए यार परफेक्ट बनाना है अपने आप को, फिल्मों के लिए परफेक्ट बनाना है। आजकल तो बच्चे एक थिएटर करते हैं तो भाग जाते हैं बॉम्बे और सीरियल में ज्वाइन कर लेते हैं। मैं इतने सालों तक वेट करता रहा कि पहले पूरे तरीके से शिक्षा प्राप्त कर लूँ अच्छे से, उसके बाद जाऊँ तो कम से कम जीतने वाली पोजीशन होगी। इतना वो मैंने यूपी की फिल्में करी थी, खूनी जलजला फिल्म में डायरेक्टर साहब थे, वो उन्होंने मुझे कहा कि यार उसमें डबल रोल था मेरा, एक किलर भी था और गेम्स कोच भी था, और एक वो जो मास्क लगा के मर्डर करता है, तो वो करीब 25 मिनट मिला के 45 मिनट का रोल था उसमें। तो मैं डायरेक्टर साहब से कहता था कि मैं कहा सर मुझे दिन रात आप जगह जगह का काम करा रहे हो,
आप वो कम से कम मास्क वाला रोल तो किसी से करा लो, क्योंकि कोई ना कोई लास्ट में निकलेगा, तो मास्क का रोल तो कोई भी कर सकता है। कह रहा नहीं छोड़ना यार, तू करेगा तो फटाफट हो जाएगा, हमारे पास पैसे कम है। तो वो लो बजट के लोग थे, तो 13 डेज में हमने फिल्म कंप्लीट की थी, ये महिमा फार्म हाउस में, तो खूनी जलजला, दैट वाज वो स्टार्ट की फिल्म थी। उसके बाद मैंने कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में आना है, हम तो थिएटर करते थे अपने रिक्रिएशन के लिए, लेकिन वो धीरे धीरे अब बजरंगी भाईजान में सलमान जी के साथ काम किया, तो उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत बढ़िया लगा सर मेरे को। वो बंदा जो है बहुत ही नाइस आदमी, मैंने सुना था कि दुनिया को वो तंग करता है, ये करता है, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी है। और बल्कि इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद जो है कोई उसके अंदर चालाकी वाली भावना नहीं देखी मैंने। छोटे से छोटा आदमी अगर उसको पसंद आ गया तो उसको पूरी रिस्पेक्ट देता है। मुझे उन्होंने वहाँ पे उनके जहाँ होटल में ठहरे हुए थे वहाँ वो शाम को बुला लेते थे और खाना पीना उन्हीं के साथ रहता था। ना चाहता नहीं भी करता ऐसा तो क्या फ़र्क पड़ता था, क्योंकि मैं छोटा सा एक रोल करने वाला था उस फिल्म में, लेकिन ही रिस्पेक्टेड मी, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करी। मैं उनको सर कह के बात करता था, वो उल्टा मुझे सर कह के बात करते थे। तो इस तरह से बड़ा मुझे तो बहुत नेक आदमी लगा, वो बहुत अच्छा आदमी। आपकी कौन सी ऐसी पसंदीदा फिल्में हैं जिनमें आपने काम किया और आपकी याद में बहुत अच्छी फिल्में? हाँ, वो कई पिक्चरों में काम बढ़िया किया, जैसे 2 दूनी 4 है, वो मुझे उससे कोई अगर पहचानता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि वो एक एक उसका सीन आप लेके देखोगे तो उसमें राइटिंग का महत्व है, प्लस वो एक जो मिडिल क्लास लोग हैं उनकी लाइफ को प्रॉपर दर्शाता है वो। और मुझे लगता है ऋषि कपूर साहब को भी बड़ा मज़ा आया होगा उसमें काम करने, और इसीलिए उसको नेशनल अवार्ड भी मिला है और 22-23 दूसरे अवार्ड भी मिले। तो 2 दूनी 4 अच्छी लगी मुझे। बाकी मैं कई छोटी पिक्चरों में काम किया है जो नेशनल लेवल तक पहुँच नहीं पाती हैं, जैसे बजरंगी भाईजान के बाद करीब 6-7 पिक्चरें निकल चुकी हैं, लेकिन उनका कोई जिक्र नहीं करता मुझसे। तो एक आदमी एक बड़े से कैनवास में आप चले जाते हो तो फिर वही टैग लग जाता है आपके ऊपर, वो टैग हटाने में फिर दूसरा कोई और बड़ा कैनवास आएगा तब हटेगा वो। अब 7-8 पिक्चरें जा चुकी हैं, उसके बाद जुनूनियत, मदारी, हैप्पी भाग जाएगी, भंवरे, मुआवजा और अभी ये नोट पे छोट, जैसे आप जिक्र कर रहे थे। आपकी अपकमिंग आने वाली कोई फिल्म है? आने वाली सर बहुत सारी, करीब 22-23 पिक्चरें मैंने खरीदी हैं और अब मुझे लग रहा है कि एक महीने में 3-3, 4-4 पिक्चरें आएंगी ऐसे करके होगा, क्योंकि छोटे बजट के जो लोग होते हैं वो पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि हमारी, जो बड़े लोग हैं उनको तो पता है कि हम 7 तारीख को रिलीज़ कर लेंगे। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चरें, जैसे मैंने मेरी 3 पिक्चरें हैं, एक इटावा सफारी आने वाली है, शूट आउट एट इटावा सफारी, और 2 पिक्चरें और हमारी पल्टन आने वाली है जो एनवायरमेंट के ऊपर है, बच्चे की पल्टन है वो बचाती है उनको, और ऐसी एक और पिक्चर है भू माफिया, जो लखनऊ में जो भू लैंड ग्रेविंग्स होती है उनके ऊपर, और सारी पिक्चरों में डिफरेंट मेरे करेक्टर्स हैं। और मुझे ये लगता है कि जो थिएटर में मैंने किया है मेहनत, वो अभी 10% भी फिल्मों में दिख नहीं रहा वो, और वो लोग कह रहे हैं कि भाई मैं बजरंगी भाईजान तक पहुंच गया या क्या पहुंच गया, लेकिन मैं नहीं, मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, दिखाना चाहता हूँ मैं लोगों को, लेकिन वो करेक्टर्स मिले तब समझ में आएगा ना लोगों को। आप किस तरह के करेक्टर मैं सर, मैं इस समय मेरी पोजीशन ऐसी हो गई है कि मैंने हर तरह का करेक्टर किया हुआ है और सब में मैं कंफर्टेबल मानता हूँ। मुझे कॉमेडी आप करा लो उसमें कंफर्टेबल हूँ, विलनिश करा लो उसमें, लेकिन मोस्टली मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से लोग मुझे देते हैं। तो ज़्यादातर कोई पुलिस वाला बना देगा, कोई हलवाई बना देगा या कोई विलनिश टाइप का करेक्टर दे देते हैं मुझे। जो लोग आना चाहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में, उनके लिए तो बहुत बढ़िया इस समय एटमॉस्फेयर क्रिएटेड है। आपको थोड़ा सा आप, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम कर लो पहले, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी इंस्टीट्यूट एंड वेस्टिंग योर मनी देयर, आप कोई थिएटर वाला ज्वाइन कर लो। वो जो थिएटर वाला गरीब डायरेक्टर जिसको जिसकी जीविका यही है, वो जब आपको लठ मार के सिखाएगा ना तो आपको बहुत बढ़िया एक्यूरेट चीज़ सिखाएगा और जो कि आपकी लाइफ टाइम काम आएगी आपको। तो थिएटर कोई ज्वाइन कर लो और ये मत सोचो कि बॉम्बे जाने का रास्ता कहाँ से है। बॉम्बे वाले लोग हैं उनके पास बड़े बड़े गूगल लगे हुए हैं,
जैसे आपके हाथ में आज टेलीफोन है, उसमें गूगल है, आप कोई चीज़ सर्च कर लेते हो। ऐसे बॉम्बे वाला वो इंडस्ट्री वाला वो बड़े बड़े लगे हुए हैं, वो कहीं का भी सर्च कर लेते हैं कि दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कलकत्ता जाना है, वहाँ पे आर्टिस्ट कौन से अच्छे हैं, वो दो मिनट में निकाल लेते हैं। आप अपने एरिया में अच्छा मेहनत अच्छी सी करो तो वो अपने आप ले जाएंगे आपको।